भाई साहब मुझे नहीं मालूम कि आज ये कौन सा नशा करके आए हैं। भाई बहन तो सब आप कुछ है ना मालूम। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नोवा पेदानिस और आज के बारे ब्लॉग्स वजन टाइम और सुबह के 7:10 हो रहे हैं और अभी मैं आया एयरपोर्ट पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं सुबह से मुझे आना पड़ता है एयरपोर्ट पर, तो मैं अभी रैंक लेने के यहाँ पर आया हूँ। आज है फ्राइडे और सैटरडे है। तो जैसे कि आप लोग मैं बता दूँ फ्राइडे सैटरडे को इन लोग के जामा वगैरह नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी वर्क टुडे, सो आई विल सी मे बी आई विल नॉट गो एनी वेयर, आई विल स्टे एट होम। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर मैं बाहर इसलिए खड़ा हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर अगर अंदर खड़ा होता हूँ तो फिर ये लोग आते हैं, फिर बाहर से फोटो खींच ले आते हैं, मुखालफा आता है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मुखालफा आए। अब आएगा तो मैं बात कर लूँगा, लड़का आ रहा है यहाँ पर काम करता है तो वेट कर लेंगे, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे पीछे फोटो खींचेंगे चले जाएंगे। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े खड़े, अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब निकलेगा, मैंने कॉल भी किया, कॉल कर रिटर्न बैक नहीं कर रहा है ना, उसकी कॉल लग रही, व्हाट्सएप में कॉल कर रहा हूँ तो रिटर्न बैक नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप में कॉल नहीं होती है। एनीवे वेट कर रहे हैं और उससे पहले पूछते हैं आप लोगों से कैसे आप लोग, इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भी अच्छा है, आप लोग दुआ है, आप लोग सपोर्ट है। तो चलते हैं, जो भी होगा बताएंगे आप लोग को, फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ वेट कर रहे हैं, इसको लेते हैं, पिक करते हैं और चलते हैं। तो आज हम लोग की दावत है, आज हमारे इमरान भाई जो है हम लोग की दावत कर रहे हैं, होटल ले जा रहे हैं। इमरान भाई क्या खिलाएंगे आज आप, गाली ना दिया को साले, वीडियो बन रही है, नॉर्मल वीडियो नहीं है, यूट्यूब वीडियो है। ये देखो ध्यान से देखो इस लौंडे को, आप लोग को लगता है वो सीधा है, ये सीधा नहीं है। ये देखो यही है, यही गाली दे रहा था, आप लोग को लगता है ये बहुत सीधा है। हाँ तो इमरान भाई क्या खिला रहे हैं आप, टकाटक भाई साहब गाड़ी साफ कर ले, गाड़ी साफ कर ले भाई, बारिश हुई है, पानी हर जगह है, साफ होने का फायदा नहीं है। ठीक है सर कर लीजिए आप, भाई की गाड़ी देखो, फोर्ड फोर्ड फोर्ड, इसका स्पीडोमीटर देखो भाई साहब, फटा जरा स्पीडोमीटर दिखा दे, क्या बात है, तगड़ी गाड़ी है, कुछ भी कहो लोहा लाट गाड़ी, फोर्ड की जितनी गाड़ियां आती है ना सब एकदम लोहा लाट होती है। और इसका स्पीड मीटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या कर रहे थे अभी तक, किलो शिलो मिल गया तो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं, कहाँ गए 3 बजे, क्या बोल रहे थे, निकला 2 बजे, रेंगते हुए गए थे, लेटते हुए लगते हुए बोल रहे यहाँ से निकला, 3 बजे पहुंचा रूम पर, गार्डन पानी का पड़ा था वो ही ले गया, कहाँ से सच में, सच्ची सच्ची झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर मैंने जैकेट भरी फुल, अब फिर मैं धीरे धीरे गया, वो गिर जाती है। चल 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 उनको देखो, रात भर पता नहीं क्या कर रहे थे, इनको नींद आ रही है, कार्टून के सीट के लिए जा रहे थे, क्या बोले, हमारे इतने दोस्त है ना, इतने क्या ही बोला है, नहीं बोल सकता आप लोग के सामने, वरना आप लोग मुझे गाली देंगे। चलो ठीक है, जो इसे भी है ठीक ही है, चक्कर आ रहे हैं, इनको चक्कर आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बाबा, बोल रहे भाई कसम से बता रहा हूँ, मैंने ये चीज फील की है, इधर सामने आओ, मैंने ये चीज फील की है, जब दो लोग बैठते ना एकदम सीधा सफल बात होती है, जब तीसरा आया था ना दिखा दिया, अबे भाई साहब कसम से बता रहे, मेरे इतने दोस्त सब बकलोल है, दो लोग बैठते एकदम सीरियस टॉपिक, भाई आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या कर नहीं करेंगे, क्या बात है। जहाँ तीसरा आता है, अब देखो पीछे लड़ाई चालू हो गई, साले कहीं भी लड़ाई करते हैं, किधर भी कोई भी खड़ा हो, कहीं भी खड़े हो, लड़ाई 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 हमेशा। मैंने बोला ना ये लोग जहाँ रहते लड़ाई करते बस। क्या खाने वाले आप, आलू का पराठा, मूली का पराठा, सादा पराठा, गोभी का पराठा, कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं, इधर बैठने मजा आती है, ये क्या बात है, पराठे के साथ हलवा, ये है कलुआ, ये पत्रू और ये है कलुआ, साथ में हलवा, आप
अभी कहाँ जा रहे यार। तो मुझे चना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे चना खाएंगे। वो A few moments later. भाई साहब, ये लोग आज कौन से मूड में आए यार। दो चने की प्लेट खा चुके हैं, चाय पी चुके हैं, चार पांच पराठे हो चुके हैं। अभी चाय और मंगाए है, पराठे और मंगाए है। कौन से मूड में भैया आज तुम लोग। ये देखो और चाय आ गई। मैं कब का खत्म हो चुका हूँ, जब तीन पराठे तब मैं उठ गया था। अभी भाई साहब फिर हमको समझ में इसका कहाँ जा रहा है। मैं नहीं पीऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा भाई, मेरा हो गया। मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा। तेरा जा कहाँ रहा है हमको ये बताओ। काली मुझे बता रहे हो ये लोग। भाई साहब मुझे नहीं मालूम कि आज ये कौन सा नशा करके आए हैं भाई। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। छठवां पराठा है, छठवां पराठा। मैं तीन पराठे के पहले हट गया था। छठवां पराठा है, चौथी प्लेट चने की है, पांचवां चाय का है। भाई मुझे समझ में नहीं आया। चलो इसको तो पता चलता है कि हाँ इसका पेट निकल आया है। इसका कहाँ गया? और कॉम्पिटिशन हो रहा था भाई दोनों में। मैं तो पहले तीन तीसरे में ही हट गया, मतलब तीन पराठे हैं उसमें मैं खा के हट गया भाई। बाद में आधा 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 चने 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 चाय 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 भाई मंगाए जा रहे हैं वहाँ। सब देख रहे भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यार, कंपटीशन कर रहे हैं खाने में। और लास्ट में भी ये बोला भाई चिकन मंगा लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। और अभी जैसे कि आप लोग मैंने बताया था सुबह मैं एयरपोर्ट गया था, उसके बाद खाना नाश्ता करके आया, सोने जा रहा था क्योंकि रात में मैं देर में आया था। रात में मैं मैडम के साथ गया था, तो रात में लगभग 3 बजे आया, 3.5 घंटे सोया। उसके बाद सुबह 6:30 बजे फिर चला गया यहाँ से। तो उसके बाद मैं अभी सोने जा रहा था क्योंकि दिन में कोई ड्यूटी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो गाड़ी जो है वही एयरपोर्ट रोड पर अभी तक खड़ी है, 2 दिन से खड़ी है वहाँ पर। तो मेरे कफिल ने भी फ़ोन किया था कि वहाँ पर सताह जा रहा है। सताह बोले तो वो जो गाड़ी उठा के ले जाते हैं ट्रक के ऊपर रख के, उसको सताह बोलते हैं। बोले सताह वहाँ जा रहा है, तो वहाँ जाओ और वेट करो, जब सताह आएगा तो उसको लदवा के भेज देना। चाबी मेरे पास है गाड़ी की, तो गाड़ी की चाबी लाजिम है उनको देना। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है। तो सदा मेरे दुआ देंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। और ऐसे तो अभी कुछ है नहीं, जो भी वो बताएंगे आगे। फिलहाल तो गाड़ी को गाड़ी में लदवाना है, उसके बाद चले आना है यहाँ पर, वो लेके चला जाएगा गैराज। चलो भाई बस पहुंच गए हैं और सताह वेट कर रहा है वहाँ पर। मैंने अभी देखा, थोड़ा दूर से दिख रहा है। अभी इस टाइम पे देखिए रोड कितनी हरी भरी है यार, बारिश का टाइम है ना, बारिश और वो जो है ना, इसकी वजह से यहाँ गाड़ी खड़ी है। तो अभी गाड़ी लाद दिया है भाई साहब, बहुत तेज़ आवाज हो रही थी, 2 दिन से यहीं पर खड़ी थी। और देखिए ये है एयरपोर्ट रोड, और भाई साहब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और इस गाड़ी से मैं आया था अजीरा से, तो लदवा के भेज दिया है, अभी चाबी दे देते हैं। सो गाइस अभी चाबी दे दिया है और गाड़ी भी लद गई है, तो अभी चलते हैं घर और जो भी हो बताएंगे आपको। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, चलो। मेन मसला ये है ना कि अगर मैं घर से आ रहा हूँ तो ये पॉइंट 17 किलोमीटर दूर है। अगर मैं अब यहाँ से घर जाऊँगा तो 28 किलोमीटर दूर है। सोच लो यू टर्न कितनी आगे है, लगभग 5 किलोमीटर दूर यू टर्न है। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, तब 28 किलोमीटर समथिंग, 28 किलोमीटर दूर यहाँ से घर है। आने में 70 किलोमीटर, जाने में 28 किलोमीटर। सोच लो यहाँ पर कितना कितना लंबा लंबा होता है। अब मैं यहाँ पर फ़ोन लगा नहीं सकता, उसकी वजह से बना लेता हूँ वीडियो, बाद में चलते समय नहीं बनाऊँगा क्योंकि सामने जो कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है ना, कैमरा है। अच्छा तो हेलो गाइस, गाइस अभी टाइम रहा दोपहर के 4 बज रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था 1 बजे के समथिंग, या फिर मैं जब गया था गाड़ी को पिक करवाने के लिए, रिसीव करवाने के लिए,
तो वहाँ से आया भाई। सच्ची बता रहा हूँ, आज का दिन इतना बिगाड़ देना, छुट्टी थी, कहीं जाना नहीं था, उसके बाद भी सारा नींद सोने नहीं दिया इन लोगों ने। हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में, एक घंटे में ये लोग बार बार आ रहे थे। तो अभी 3 बजे मैं आया था, 4 बज गया है, 1 घंटे से मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ। ये बीच हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर हमेशा देखना आप, ये चांद बना होगा, तो ये हॉस्टल है। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ यार पहुँचे तो। मैं मुझे बहुत तेज नींद आ रही, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं क्या हो, रात में सर्दी, 2 दिन से थोड़ा गर्मी ज़्यादा चालू हो गई है। कल भाई साहब इतनी गर्मी थी, मैंने आपको बताया था कि 33 टेम्परेचर पहुँच गया सर्दी के टाइम पर, 33 टेम्परेचर। और यहाँ 33 टेम्परेचर बहुत होता है, पसीना तो निकलता नहीं है, आप जलन होती सिर्फ, तो इसकी वजह से अब मैं वेट कर रहा हूँ, निकल भी नहीं रहा। पता नहीं क्या करने आया क्या नहीं, तबीयत ख़राब है या फिर कोई इन लोग की कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। आप लोग जब सऊदी अरबी आएंगे ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि सऊदी में यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। हर दूसरे दिन, हर 10 दिन में, हफ्ते भर में ये लोग हॉस्टल जाते ही रहते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो हेलो गाइज, गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, और अभी मैं आया था, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसकी वजह से घर में गाड़ियों की शॉर्टेज हो गई है। अब घर पे जो गाड़ियां हैं सबकी फिक्स गाड़ियां हैं, कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां तो है नहीं, सब अपने काम पर ड्यूटी पर लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो अभी शायद किसी को कहीं जाना होगा, तो ये वाली गाड़ी भी जा रही, इस गाड़ी से मैं चलता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं कि एक गाड़ी चलाता हूँ, वो मेरी एक गाड़ी फिक्स है, लेकिन उसके बाद अगर वो कहीं ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो मुझे सब गाड़ियों से काम करना पड़ता है। कभी सिविक लेके जाता हूँ, कभी ये लेके जाता हूँ, कभी सनी लेके जाता हूँ, तो ये सब गाड़ी चलानी पड़ती हैं। तो अभी सनी यहाँ पर है नहीं, दमाम में है, और ये गाड़ी भी दूसरा लड़का लेके जाता है, GMC दूसरा लड़का लेके जाता है, सिविक दूसरा लड़का लेके जाता है, सिर्फ अवेंजा जो है वही मैं चलाता हूँ। तो अभी वो है नहीं, इसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं है घर पर। तो अभी मैं आया था यहाँ पर, शायद गाड़ी जो यहाँ पर भाड़े पे मिलती हैं, आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं, आप किसी भी टाइप की गाड़ी यहाँ पर आप भाड़े पे ले सकते हो। आप लैम्बोर्गिनी से लेके, रोल्स रॉयस से लेके, BMW, मर्सिडीज, सारी गाड़ियाँ आप यहाँ पर किराए पे ले सकते हो। तो रेंट वाली गाड़ी लेने के लिए आया था, तो मैंने लोगों को यहाँ पर उतार दिया है, अब वो गाड़ी लेके आएंगे, तो शायद मुझे देंगे वो गाड़ी, या फिर वो खुद लेके जाएंगे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्योंकि अगर वो लेके जाएं तो मैं ये गाड़ी चलाऊंगा, या फिर कोई दूसरी गाड़ी चलाऊंगा, या फिर अगर वो देंगे तो मैं वो गाड़ी चलाऊंगा। तो उनको यहाँ पर उतार दिया, वो गाड़ी मतलब पूरा प्रोसेस होता ना कि तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे लाइसेंस पे देंगे, उसके बाद सारे स्क्रैचेस वगैरह चेक करेंगे, पूरा गाड़ी के इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद देंगे तुमको। जब आप वापस लेके जाओगे देने के लिए, तो फिर सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि भाई देखना पड़ता ना कहाँ पर आपने स्क्रैच लगाया, कहाँ पहले से लगा था, तो उसके हिसाब से पैसा काटते हैं, लगाते हैं। कुछ 150 रियाल मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन 100 रियाल के बाद, 100 रियाल 150 रियाल के आसपास एक दिन का होता है। अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, हर गाड़ी का अलग अलग होगा, छोटी गाड़ी है सस्ता होगा, बड़ी गाड़ी है तो 1000-5000 तक चला जाता है। बाबा सुबह आधा शक्कर से आ रहा, इतना भर रहा हुआ गला में, इतना भर रहा ना सगल, अरे शक्कर से आ रहा ये लोगों भाई साहब मुझे गाड़ी से बाहर निकाल के मुझे गाड़ी से बाहर निकाल के वो वैन का भैया दरवाजा बंद कर दिया था। شوف ابو الدرع उनसे बोले आज हम गाड़ी चलाएंगे। شوف هذا زيارة كذا سمسم كذا معلوم ايوه انت سواق كويس انا معلوم انا سواق كويس انت معلوم شوف ما في كذا انا معلوم انا تمشي كذا انا مسكين بالله انت مسكين والله انت مشكله والله لا ما في مشكله والله انت مشكله والله لا 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 ما في مشكله देखो बढ़िया कितनी हद कोइस हर नफर कोइस والله هذا سواق كويس الله يسلمك هذا سواق كويس ما شاء الله شغل كويس اي ايش هذا شوي شوي انت اللي والله شوي شوي انت ما في انت كذا سوي كذا ما في كويس ابو الدنيا والله كذا ما في كويس ليه ما في كويس؟ عشان هذا بنزين ثم هذا ما له هذا ضغط اجعالي ما له امبير انت باب ما في ما سكر انا باب चलो भैया अगर चलते हैं, रात के बज गए 12 और आज हम गए थे नहीं एयरपोर्ट, जिसकी वजह से मैं सो रहा था,
इन्होंने कॉल किया, उठाया, फिर हम चले गए इनके साथ स्टारबक्स। अभी वापस आ रहे हैं तो रोक के बोलते हम चलाएंगे। हमने कहा ठीक है भैया चलाओ, घर के नज़दीक ही हैं, हाईवे पे नहीं दिया, चलो चलते हैं घर। उसके बाद वीडियो को इन करते हैं। कहीं गया नहीं ऐसा, आज खाली गाड़ी लदवाया था गाड़ी पर।